नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यानी चाहे वो मैकेनिकल ब्रेक्स हो, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो, चाहे पावर ब्रेक्स हो, चाहे वैक्यूम ब्रेक्स हो, किसी भी प्रकार के यदि वो ब्रेक्स हैं तो उनमें कॉमन पार्ट्स जो होते हैं वो हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, जिसका YouTube वीडियो लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस लेक्चर को समझने से पहले बेहतर होगा कि आप इससे प्रीवियस लेक्चर को, जिसमें कि मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन ब्रेक सिस्टम का बताया है, वो देख ले। तो आज हम समझते हैं वर्किंग ऑफ ब्रेक्स, यानी बेसिक कंस्ट्रक्शन में जो एक्चुएटिंग पार्ट था, यानी इन शूज को, ब्रेक शूज को ब्रेक ड्रम्स के अगेंस्ट हम कैसे इसको एक्सपेंड करें, क्या जरिया हो, क्या मीडियम हो, क्या माध्यम हो कि ब्रेक पेडल से, ड्राइवर ने पेडल दबाया तो वहां से फोर्स या पावर किस जरिए से, किस सिद्धांत पर आधारित यहां तक पहुंचती है शूज तक। उस आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ा था ब्रेक्स का, तब भी हमने पढ़ा था कि ब्रेक्स मैकेनिकल और हाइड्रोलिक होते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं मैकेनिकल ब्रेक्स। तो देखिए, ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर व्हील कसा हुआ होता है, तो एक्सल जो लाइव एक्सल होती है या फ्री एक्सल होती है तो उसके ऊपर ड्रम होता है और बैक प्लेट पर ये सारी असेंबली कसी हुई होती है। और बैक प्लेट जो होती है वो कभी भी व्हील के साथ नहीं घूमती है, केवल ड्रम घूमता है, अर्थात बैक प्लेट के सापेक्ष ड्रम घूमता है। तो ये सारी असेंबली बैक प्लेट पर कसी हुई होती है। केवल मैकेनिकल का मतलब यहां पर क्या है, ये जो शूज बाहर की तरफ, यानी अंदर से बाहर और इधर अंदर से बाहर जो एक्सपेंड होंगे, वो क्या जरिया है कि ड्राइवर का जो ब्रेक पेडल का फोर्स है वो यहां तक पहुंचे, तो वो सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स में क्या हो सकता है, लीवर हो सकता है, यानी एक छड़ हो सकती है, एक लोहे का तार हो सकता है, जैसे ब्रेक वायर आता है स्कूटर वगैरह में आता है, ठीक है, स्प्रिंग्स हो सकती हैं, अन्य जॉइंट्स हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं, बैंड हो सकते हैं, यानी सारे सॉलिड मेटल के बने हुए पार्ट्स होंगे, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। और पेडल की जो मूवमेंट है या पेडल की जो गति है वो अगले पार्ट को जाएगी, वहां से गति उससे अगले पार्ट को जाएगी और अंततः वो यहां तक पहुंचती है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए ये कंस्ट्रक्शन हमें यहां समझना है। तो बेसिकली ये क्या चीज है, इसको हम टॉगल बोल रहे हैं। यहां पर टॉगल इसलिए कि ये एक लोहे की पत्ती है और इससे एक छड़ यहां पर है लोहे की, एक छड़ यहां पर है। जब हम ब्रेक लगाते हैं, जैसा आपने मोटरसाइकिलों में देखा होगा पहिए पर जब ब्रेक लगाते हैं तो पहिए के बाहर हब पर एक जहां रिम जुड़ी, सॉरी, जो उसकी ताड़ियां होती हैं, स्पोक्स होती हैं, जहां हब पर जुड़ी होती है, वहां पर आप देखिए गौर से एक पत्ती होती है। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वो पत्ती हिलती है, क्लियर है चीज। तो वो पत्ती इस बैक प्लेट के, जो ड्रम है, ड्रम या ऊपर से ड्रम है, इसके पीछे बैक प्लेट है, बैक प्लेट के पीछे तक वो पैडल का गति या मूवमेंट आता है। यानी यो मान लीजिए इस बैक प्लेट के पीछे, यानी यो मान लीजिए इस ब्लैक बोर्ड के पीछे एक पत्ती है और जो भी पैडल का मूवमेंट है वो पैडल का मूवमेंट इस पत्ती तक आता है। अब ये पत्ती पीछे से यो घूमती है इधर उधर, जब ये पत्ती घूमती है, पीछे से घूमती है, तो ये इस टॉगल को, या इसकी जगह कैम भी हो सकता है, कैम, उसको मूवमेंट देती है। अर्थात जब ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगाना है तो ये जो पत्ती है, ये जो लोहे का टुकड़ा है, ये इस तरह से गति करना चाहिए। जब ये इधर गति करेगा तो ये वाली छड़ है ये आगे जाएगी, ये वाली छड़ इधर जाएगी और इन शूज को एक्सपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि ये शूज यहां पर एंकर्ड हैं या पिवोटेड हैं, पिवोटेड या एंकर्ड हैं, मतलब इसके सापेक्ष ये शू यों घूम सकता है, ऐसे ही ये शू यों रोटेट कर सकता है। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं, ड्राइवर ब्रेक पेडल को दबाता है, तो वहां का मूवमेंट या वहां की गति
या बल विभिन्न मैकेनिकल पार्ट से होता हुआ, यानी सॉलिड लिंक्स है, ठोस धातु के बना हुआ कोई ना कोई पार्ट है जिसके जरिए से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा होता हुआ वो अंत तय जाकर गति यहां तक पहुंचती है, वो इस तरह से घूमता है और ब्रेक बाहर की तरफ फैलते हैं और ब्रेक शूज बाहर की तरफ फैलते हैं और ब्रेक लगता है। अब सवाल यह है कि ड्राइवर में इतनी ताकत नहीं होती कि बड़े व्हीकल को, चलती हुई कार को रोक सके, तो यहां पर जो ड्राइवर का फोर्स है वो मल्टीप्लाई कैसे हुआ, इतना गुना बढ़ कैसे गया? तो आपने मैकेनिक्स में लीवर पढ़े होंगे, ठीक है, उत्तोलक। तो लीवर में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक छड़ है, यदि मैं यहां पर फलक्रम या कोई ऐसा बिंदु लगा, सपोर्ट लगा दूं जिसके सापेक्ष ये घूम सके, तो मुझे कोई भारी वस्तु उठानी है तो उसे मैं ए पर रखूंगा या बी पर, या आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं लोड को हमेशा कम भुजा वाली साइड में रखते हैं, तो यहां पर क्या होगा, बी पर क्या होगा, डब्ल्यू लोड, और उठाना है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, फोर्स। जितनी ज्यादा दूरी पर लगाएंगे उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा लोड को उठाने के लिए, अर्थात इनका अनुपात इन दूरी के अनुपात का उल्टा होता है। यानी अगर मैं इसको ए कह दूं या बी है तो इसको बी कह दूं, सॉरी इसको बी कह दूं और इसको ए कह दूं, तो डब्ल्यू अपॉन एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये आघूर्ण लेंगे, इसके सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो डब्ल्यू इंटू बी बराबर एफ इंटू ए, बैलेंस रहता है, इसके कारण आघूर्ण इधर होगा यानी क्लॉकवाइज होगा, इसके कारण आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि एफ बराबर क्या आएगा, यहां से क्लियर है F बराबर होगा, देखिए यहां से F बराबर क्या आएगा, F बराबर आएगा B अपॉन A इंटू डब्ल्यू। अब देखिए कि A ज्यादा या B, मैं कह रहा हूं मेरे हमने डिजाइन किया है कि A बहुत ज्यादा है B की तुलना में, अर्थात यह राशि कम है, एक से कम है, तो W ज्यादा या F ज्यादा, निश्चित रूप से F ज्यादा। इस समीकरण को देखें, चूंकि ये एक से कम है तो W ज्यादा है और F कम है, अर्थात अधिक बल, अधिक लोड उठाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा यदि ये भुजा, कौन सी भुजा, जिस साइड में बल लगा रहे हैं वो ज्यादा हो। तो ये जो लीवरेज सिस्टम है, ये लीवरेज सिस्टम यूज किया जाता है मैकेनिकल ब्रेक्स में, जब ड्राइवर द्वारा लगाया गया पेडल पर फोर्स अंततः इस कैम या टॉगल तक पहुंचता है तो कई बीच में कई जगह पर लीवर्स लगे होते हैं, हिंजेस होते हैं, तो ये भुजा ज्यादा होती है, ये भुजा कम होती है, इस प्रकार से वहां तक पहुंचता पहुंचता कई गुना हो जाता है। इसको यदि आप देखना चाहते हैं तो स्कूटर या मोटरसाइकिल का जो हैंड ब्रेक होता है, जो हाथ से लगाते हैं, वहां आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से वहां पर यह सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। तो यह होता है मैकेनिकल ब्रेक्स। तो सामान्य तौर पर फोर व्हीलर में मैकेनिकल ब्रेक्स यूज नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि चूंकि व्हीकल भारी होता है, आजकल हाई स्पीड व्हीकल्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स हैं, तो उनमें मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होता है, संवेग बहुत ज्यादा होता है, अर्थात ब्रेक लगाने के लिए बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता होती है। हालांकि यहां पर जैसा मैंने बताया, इससे अपन लीवरेज प्राप्त करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त करते हैं, यांत्रिक लाभ प्राप्त करते हैं, फिर भी मैकेनिकल सिस्टम से हम इतने गुना ज्यादा यांत्रिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते जितना आवश्यक है। इसलिए हम नया जो सिस्टम, जो अब तो कन्वेंशनल हो गया लगभग, हाइड्रोलिक सिस्टम, हम इसको इसमें काम में लेते हैं। क्लियर है चीज। दूसरा क्या होता है मैकेनिकल सिस्टम में, या हालांकि हम एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे आगे, मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है, जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं ना, जैसे पेडल से किसी नट बोल्ट से कसा एक रॉड कसी, फिर उससे कोई स्प्रिंग है, आगे कोई और मुड़ा हुआ लीवर है, कोई तार है, तो इनमें आपस में सापेक्ष गति होती है। जब सापेक्ष गति होती है तो घर्षण भी बहुत ज्यादा होता है, यानी फ्रिक्शनल लॉसेज होते हैं। दूसरा क्या होता है, इनमें प्ले होता है, चाल होती है,
आपस में घिस जाते हैं पार्ट्स, तो इनमें चाल आ जाती है। तो वो अल्टीमेटली किसको प्रभावित करती है? ब्रेक की एफिशिएंसी को प्रभावित करती है। दूसरा क्या होता है कि इतने सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत जटिल हो जाता है। आप देखेंगे मैकेनिकल ब्रेक्स होंगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, लिंकेज होंगे, जिनके कारण ये बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लचीलापन नहीं होता है। जैसे लचीलापन को अपन यूं समझ सकते हैं कि हमें मान लेते हैं कि यहां से पानी का पाइप यहां तक पहुंचाना है, क्लियर है चीज, तो लेकिन बीच में ये कोई एक हिंड्रेंस है या कोई रुकावट है। दो तरीके से पहुंचाना है, एक तो फ्लेक्सिबल जो गार्डन बगीचे में हम जो प्लास्टिक का पाइप, जो लचीला पाइप होता है वो काम में लेते हैं, दूसरा एक हार्ड जीआई पाइप। मान लेते जीआई पाइप से पानी यहां से यहां तक पहुंचाना है तो क्या मैं जीआई पाइप को ऐसे मोड़ के ऐसे ला सकता हूं? नहीं है, संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जीआई पाइप की यदि फिटिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, यहां से यहां तक लाएंगे, फिर एक बैंड लगाएंगे, फिर यहां बैंड लगाएंगे, फिर ये लाएंगे, फिर यहां लाएंगे, और ये कर दिया मैंने, क्लियर है चीज। लेकिन यदि ये तो जीआई पाइप से फिटिंग हुई है, लेकिन यदि मैं फ्लेक्सिबल पाइप से फिटिंग करता तो फ्लेक्सिबल पाइप कैसे भी ला सकता था, यहां पर यहां से भी ला सकता था। फिर मान लेते मेरा प्लान चेंज हो गया कि ये ऐसे नहीं करना है, तो इसका मतलब इसको दोबारा से इसका विन्यास या इसका ओरिएंटेशन या जो इसको मैंने ये ऐसा डिजाइन किया इसको चेंज करना है तो हमें वापस से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग तरह के ज्वाइंट लगाने पड़ेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल होगा तो इसको हम कैसे भी मोड़ सकते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, कंस्ट्रक्शन में लचीलापन नहीं होता। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हम पढ़ेंगे आगे कि ये लचीलापन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम में क्या है कि यहां पर टॉगल या कैम होता है, अंततः जाके ड्राइवर जो है वो इसको एक्चुएट करता है, क्लियर है चीज। अब हम आते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर। इससे पहले हमें समझना होगा ये किस सिद्धांत पर आधारित है। ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स में या फिजिक्स में पढ़ा होगा पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें पास्कल्स लॉ, बहुत सिंपल है। पास्कल का नियम क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्रह्मास प्रेस, यानी इसमें कम बल के द्वारा अधिक बल कैसे उठाया जाता है। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या आता है कि रुके हुए द्रव में, स्टेशनरी द्रव, रुके हुए द्रव में स्थित किसी भी बिंदु पर, ठीक है, रुके हुए द्रव में स्थित किसी भी बिंदु पर, यहां पर जैसे मैंने इस चित्र में दिखाया है ये एक पात्र है, एक बर्तन है, इसमें यह रुका हुआ द्रव है, इसमें किसी भी बिंदु, मतलब एक दो तीन अलग अलग तीन बिंदु मैंने ले लिए। हम जानते हैं जैसे जैसे नीचे जाते हैं दाब बढ़ता है, ये बिंदु नंबर एक, बिंदु नंबर दो, बिंदु नंबर तीन, और इन पर मैंने दाब भी मेरे मन से ही मान लिया, यहां पर दाब है एक, यहां पर दाब है दो, यहां पर दाब है तीन। तो देखिए पास्कल का नियम क्या होता है, किसी भी रुके हुए द्रव में किसी भी बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन किया जाता है, क्लियर है चीज। तो जैसे मान लेते हैं दाब में परिवर्तन का मतलब यहां पर पता नहीं, हमें नहीं पता कैसे परिवर्तन हुआ लेकिन कर दिया, ठीक है, यहां पर दाब में परिवर्तन किया यानी प्लस पॉइंट प्लस एक किया मैंने, अर्थात यहां पर दाब कितना हो गया चार। तो यह दाब, अब ध्यान से समझिए पास्कल का नियम क्या कहता है, रुके हुए द्रव में स्थित किसी भी बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन किया जाता है तो वह परिवर्तन उस द्रव में स्थित प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से पहुंचता है, ट्रांसफर होता है। कैसे, इसको ध्यान से समझिए, पहले यहां दाब था तीन, मैंने और बढ़ाया, पता नहीं मुझे किस माध्यम से अपन ने पढ़ाया, बढ़ाया बस बढ़ गया ये मान लीजिए आप, तो यहां अब दाब कितना हो गया चार, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां चार हुआ है तो यहां भी चार होगा, तो यहां सॉरी यहां चार हुआ है तो यहां तीन होगा क्योंकि एक बढ़ा है, तो जो परिवर्तन किया है वो ट्रांसफर होता है हर जगह। तो यहां तीन का चार, दो का एक, एक का दो, और यहां मान लेते हैं जीरो होता तो एक हो जाता, यहां मान लेते हैं कि अगर वो यहां पर चार होता तो पांच हो जाता। पहला तो ये हुआ, पहला क्या है इसका स्टेटमेंट कि रुके हुए द्रव में स्थित किसी भी बिंदु पर यदि दाब में परिवर्तन किया जाता है तो वह बिना नष्ट हुए, बिना नष्ट हुए का मतलब ऐसा नहीं है कि यहां एक बढ़ाया तो
यहां एक बढ़ाया तो वो यहां आधा बढ़ेगा, इसका मतलब आधा नष्ट हो गया यहां से यहां तक पहुंचने में, ऐसा नहीं है। जितना बढ़ाया वो प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से स्थानांतरित होता है, यानी यहां भी एक बढ़ेगा, यहां भी एक बढ़ेगा, यहां भी एक बढ़ेगा और यहां भी एक बढ़ेगा, पहली चीज। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यह प्रत्येक बिंदु पर हर दिशा में समान रूप से कार्य करता है। इसको और ध्यान से समझिए, जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु पर दाब किधर है, जैसे ये पानी से भरा हुआ है कमरा मान लेते हैं, ये बिंदु है, इस पर दाब किधर है, ऊपर से नीचे या आगे से पीछे या नीचे से ऊपर, हर दिशा में यानी अनंत दिशा होगी, यो भी यो भी यो भी यो भी, हर दिशा में समान रूप से कार्य करता है। अर्थात यदि इस बिंदु पर दाब दो है तो वो यो भी दो है, यो भी दो है, यो भी दो है, यो भी दो है, ऐसे भी दो है, हर प्रकार से दो है। अब आप कहेंगे सर कौन सी दिशा लें इसमें, यह निर्भर करता है कि किस पृष्ठ पर आपको दाब लेना है। अर्थात यदि इस बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में है और पृष्ठ ऐसा है तो दाब हम जानते हैं पृष्ठ के लंबवत होता है, तो इस पृष्ठ के लंबवत यदि मैं इधर से देख रहा हूं तो दाब यो होगा, इधर से देख रहा हूं तो दाब यो, यानी दाब की दिशा रुके हुए द्रव में दाब की दिशा किस बात पर निर्भर करेगी कि पृष्ठ कैसा स्थित है। तो यह पास्कल का नियम है। अब पास्कल का नियम मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि रुके हुए द्रव में यदि किसी भी बिंदु पर दाब में परिवर्तन किया जाता है तो वह परिवर्तन बिना नष्ट हुए इस दाब में स्थित प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से पहुंचता है तथा हर बिंदु पर हरेक दिशा में कार्य करता है। ये इस पर निर्भर करता है, इस पर आधारित है हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब हम समझते हैं कि पास्कल के नियम को यूज करते हुए कम बल के द्वारा अधिक बल कैसे प्राप्त किया जाता है। क्लियर है चीज। तो इसके लिए एक सीधा सा एक बहुत सरल उदाहरण है जिसको आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, ब्रह्मास प्रेस। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं, हाइड्रोलिक प्रेसेज होती हैं, उनमें सब में यही सिद्धांत कार्य करता है। बहुत सिंपल है, इसको अपन समझते हैं। देखिए मान लेते हैं मैंने दो पाइप ली, एक पाइप कम व्यास का और एक पाइप ज्यादा व्यास का। दो पाइप लिए मैंने, इनको नीचे से जोड़ दिया। इनको मैंने यहां से जोड़ दिया और द्रव से भर दिया। तो देखिए जब मैंने इसको द्रव से भरा है, या आप एफएम में पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, चूंकि ये नीचे, वैसे अगर देखें तो दो बॉडी अलग है लिक्विड की, एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, लेकिन चूंकि ये नीचे से जुड़े हुए हैं, चाहे ये बहुत बारीक बारीक बिल्कुल कैपिलरी टाइप के पाइप से ही क्यों ने जुड़े हों, यदि ये आपस में जुड़े हुए हैं अर्थात इधर से द्रव इधर जा सकता है, इधर से द्रव इधर जा सकता है, तब हम क्या कहते हैं, एक वाटर बॉडी है या एक लिक्विड की बॉडी है, से वन बॉडी है ये, ठीक है। तो देखिए इसमें यहां पर मान लेते हैं ये एक है और ये दो है। क्लियर है चीज। तो इसका अनुप्रस्थ काट कितना मान लिया ए वन, इसका अनुप्रस्थ काट कितना मान लिया ए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन रखा जो मास लेस है, इसका द्रव्यमान नगण्य है। ठीक ऐसे ही इसके ऊपर एक पिस्टन रखा जो मास लेस है, यानी इसका द्रव्यमान भी नगण्य है। कोई डाउट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस पर मान लेते हैं यहां से F बल लगाता हूं, यानी ये दबेगा। जब ये दबेगा तो इधर से द्रव ऊपर चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पास्कल के नियम के अनुसार पहले कुछ नहीं था, जो दाब यहां था वो यहां था, जो दाब यहां था वो यहां था, लेकिन जब मैंने एक्स्ट्रा ऊपर से फोर्स लगाया तो यहां पर दाब बढ़ा, चूंकि रुका हुआ द्रव है, यहां पर दाब बढ़ाया तो वो जो बढ़त हुई है, जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, वो प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से इंक्रीज होगा। इसका मतलब अब पहले यहां पर दाब निकालते हैं कि इस बल एफ के कारण यहां पर दाब कितना बढ़ा। तो दाब हम जानते हैं बल बटे क्षेत्रफल, तो यहां पर यानी P1 कितना हुआ, P1 हुआ बल बटे
क्षेत्रफल, क्लियर है चीज। अब मान लेते हैं कि मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, ये दो आता है, अर्थात यहां कितना दाब बढ़ा, दो। अगर यहां पांच था तो अब वो कितना हो गया, सात। अगर यहां नौ, यहां मान लेते हैं तीन था तो कितना हो गया, पांच। यहां मान लेते हैं दो था तो कितना हो गया, चार। यानी प्रत्येक बिंदु पर दाब कितना बढ़ जाएगा, दो से। अब इसकी बात करते हैं, इस पिस्टन पर जैसे मैंने कहा था दाब हर बिंदु पर सभी दिशाओं में कार्य करता है, क्लियर है चीज। लेकिन यहां पर पिस्टन की सतह कैसी है, क्षैतिज, ये वृत्ताकार है, इसके ऊपर पिस्टन है, तो इस पर दाब किधर लगेगा, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर दाब लगेगा। कौन सा दाब लगेगा, बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ दाब कितना है यहां पर, P1, क्योंकि F के कारण ही तो बढ़ा है, तो P1 दाब अब यहां पर कार्य करेगा। यानी उदाहरण के लिए अगर दो है तो यहां पर दाब कितना कार्य करेगा, दो, किधर, नीचे से ऊपर, अर्थात यह पिस्टन अब किधर जाएगा, ऊपर। लेकिन ऊपर बल कितना लगेगा इस पर, तो देखिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर होगा दाब गुणा क्षेत्रफल। इसका मतलब यहां से ऊपर की तरफ बल यदि मैं निकालता हूं तो वो कितना आएगा, P1, क्योंकि दाब यहां पर P1 लगेगा। क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल A2, तो ये कितना हो जाएगा, P1 into A2, ये बल ऊपर की तरफ लगता। मान लेते हैं कि मैं इसको संतुलित करने के लिए ऊपर से नीचे इस पर एक W भार रख देता हूं, इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, W के, ये किसके बराबर हो गया, W के। अर्थात अब यदि मैं F बल लगाता हूं तो वो किसको संतुलित करता है, W को। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। देखिए वापस से सब कुछ मैंने समझाया, एक A1 अनुप्रस्थ काट का, एक A2 अनुप्रस्थ काट का, नीचे से इनको जोड़ा हुआ है पाइप के जरिए से, यहां से इसमें लिक्विड भरा हुआ है, यहां से मैंने F बल लगाया तो इसमें दाब बढ़ा, दाब समान रूप से यहां तक पहुंचेगा तो वो बढ़ा हुआ दाब यहां से यहां पहुंचा, यहां दाब कितना बढ़ा, बल बटे क्षेत्रफल, इतना दाब बढ़ा, तो वही दाब यहां पर कार्य करेगा इस पर, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है, A2, तो इस पर लगने वाला ऊपर बल कितना होगा, दाब गुणा A2। इसको संतुलित करने के लिए मैंने W रख दिया, इसका मतलब यूं कहेंगे कि W को उठाने के लिए F बल लगाना पड़ा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए W बराबर कितना आ गया, W बराबर आया, P1 की जगह रखूंगा मैं, F अपॉन A1 इंटू A2, तो यहां से देखिए W बराबर आया A2 अपॉन A1 इंटू F। F क्या है, F है हमारे द्वारा लगाया गया बल, और W क्या है, इस बल के द्वारा उठाया गया भार। अब मुझे आप यह बताइए कि इस समीकरण को देखिए, W ज्यादा है या F, यह कैसे डिसाइड होगा, ये इससे डिसाइड होगा कि इसका मान कितना है। इसका मान मुझे बताइए, इसका मान A2 अपॉन A1 है, तो A2 ज्यादा A1 कम, क्योंकि A2 ज्यादा और A1 कम, A1 कम है A2 ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसका मान एक से ज्यादा है। जब इसका मान एक से ज्यादा है, इसका मतलब यह पक्का है कि F का मान इससे कम है, ठीक है। तो यहां से हमने कम बल के द्वारा अधिक बल उठा दिया, क्लियर है चीज। और यह किस पर निर्भर करेगा, इनके क्षेत्रफल के अनुपात पर, अर्थात W अपॉन F इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। ये जो थ्योरी है ये काम करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक प्रेसेज में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, क्लियर है चीज। अब यहां से हम समझते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे कार्य करता है। देखिए वो का वही सिस्टम है सब कुछ, केवल फर्क कहां पड़ा, यहां पर मैंने एक सिलेंडर लगा दिया जिसको हम बोलते हैं व्हील सिलेंडर, ठीक है। ये क्या है, व्हील सिलेंडर, और ये ड्राइवर पेडल के द्वारा जिस पिस्टन को दबाता है इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर। तो देखिए ड्राइवर जो पैडल दबाता है, ड्राइवर जो पैडल दबाता है उससे वो क्या करता है, एक यहां पर जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है इसमें एक मास्टर सिलेंडर होता है जो ड्राइवर पैडल दबाता है उसके ठीक आगे लगा हुआ होता है।
और यहां से पाइपलाइन जाती है सभी पहियों में। जैसे ये एक पाइपलाइन गई, जैसे पानी के पाइप होते हैं, एक पाइपलाइन गई एक बाथरूम में, दूसरे बाथरूम में, फिर आगे गई तीसरे बाथरूम में, चौथे बाथरूम में, या बाथरूम नहीं है ये, क्या है, व्हील्स। तो एक पाइपलाइन, मुख्य पाइपलाइन निकली मास्टर सिलेंडर से, वो अलग अलग शाखाओं में, ब्रांचेज में डिवाइड होती चली जाती है हर पहिए पर, ये फ्रंट व्हील में, ये फ्रंट व्हील में, ये रियर व्हील में, ये रियर व्हील में, इस तरह से। तो इसके अंदर, इस पूरे सिलेंडर या इस पूरे ब्रेकिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल या ब्रेक ऑयल भरा हुआ होता है। तो जब ब्रेक ऑयल इसमें भरा हुआ है, ब्रेक ऑयल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाइड्रोलिक ब्रेक्स की ब्लीडिंग क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहां केवल ये है कि इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ है। जब ड्राइवर पैडल दबाता है तो पैडल यूं आगे जाता है, तो इस मास्टर सिलेंडर के अंदर पिस्टन आगे चलेगा। देखिए, मास्टर सिलेंडर इतना आसान कंस्ट्रक्शन नहीं है जैसा यहां दिखाया, यहां केवल समझाने के लिए है। इसके अंदर पिस्टन का डिजाइन बिल्कुल अलग होता है, वाल्व लगे हुए होते हैं, स्प्रिंग्स लगी होती है, रिजर्वायर होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर्स में। क्लियर है चीज? यहां सिंपल इस थ्योरी के द्वारा ये कैसे कार्य करता है यह समझ रहे हैं। तो देखिए, जब पेडल को दबाते हैं तो ये पिस्टन आगे मूव करता है। जब आगे मूव करता है तो इसमें प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है, चूंकि ये सारे में ऑयल भरा हुआ है, तो ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन यहां पर ये है बीच की, ठीक है। ये मास्टर सिलेंडर है, ये वाला मास्टर सिलेंडर है। कौन सा है मास्टर सिलेंडर, वापस रिपीट कीजिए या मैं रिपीट करता हूं। मास्टर सिलेंडर है कम अनुप्रस्थ काट वाला। क्यों? क्योंकि लोड कहां पर है, लोड यहां पर है, और यहां पर लोड यहां पर है, तो लोड जिस पिस्टन पर है उसका अनुप्रस्थ काट ज्यादा होगा, तभी हमें कम फोर्स लगाकर अधिक फोर्स प्राप्त होगा, यानी लीवरेज प्राप्त होगा इस अनुपात के अनुसार। तो यहां से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट निकल कर आता है, आपसे पूछा जाता है कि किस सिलेंडर का अनुप्रस्थ काट या बोर साइज या व्यास ज्यादा होता है, मास्टर सिलेंडर का या व्हील सिलेंडर का। तो हम तुरंत बोलेंगे कि व्हील सिलेंडर का अनुप्रस्थ काट ज्यादा होता है, और जिस अनुपात में ज्यादा होगा उसी अनुपात में हमें अधिक बल उठा सकते हैं या अधिक लोड लगा सकते हैं। क्लियर है चीज? तो जब ये दबेगा, यहां पर प्रेशर राइज होगा, तो प्रेशर सभी जगह पर समान रूप से स्थानांतरित होगा पास्कल के नियम के अनुसार। तो हर एक ब्रेक सिलेंडर में, सॉरी व्हील सिलेंडर में, अब ये व्हील सिलेंडर की संरचना आप समझिए, जो बैक प्लेट थी यहां पर मैंने मैकेनिकल ब्रेक्स में इस जगह पर टॉगल लगा रहा। देखिए, अंततः हमें करना क्या है, इन शूज को आगे फैलाना है। तो यहां पर टॉगल लगा हुआ था, टॉगल को हटा के मैंने एक बैक प्लेट के ऊपर एक सिलेंडर लगा दिया, जिसको मैंने बोला व्हील सिलेंडर। उसमें दो पिस्टन है, एक राइट साइड के लिए, एक लेफ्ट साइड के लिए। बैक प्लेट में पीछे से एक छेद है जो किस में खुल रहा है, सिलेंडर के अंदर। तो बैक प्लेट से पाइपलाइन आ रही है, वो सीधी सिलेंडर के अंदर है, अर्थात कोई लीकेज नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, यदि मैं आपको एक साधारण उदाहरण से समझाऊं कि इसके अंदर मान लेते हैं एक चींटी आ गई, वो चींटी इसमें से चलती 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 कहां पहुंचेगी, इन दोनों पिस्टन व्हील सिलेंडर में जो पिस्टन है इनके बीच में आ जाएगी। बीच में उसको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा निकलने के लिए, चाहे तो इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में भी व्हील सिलेंडर में आ जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब यदि यहां से मैं इसमें प्रेशर बढ़ाता हूं तो वो प्रेशर चलता चलता यहां पर पहुंचेगा, यानी यहां पर पहुंचेगा। अब इन दोनों पिस्टन्स को वो बाहर एक्सपेंड करेगा, जैसे ये ऊपर होता ऐसे ये एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो ब्रेक लगेगा। क्लियर है चीज? जब ड्राइवर पेडल पर से पैर हटाएगा, ये रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग है, तो ये वापस आएंगे शूज, अर्थात ये पिस्टन वापस आएंगे, फ्लूइड वापस जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां भी रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग लगी हुई होती है जो इस पेडल को वापस करती है। ठीक है, क्लियर है चीज? तो इस प्रकार से ये हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। क्लियर है चीज? अब यहां पर कुछ खास खास बातें कि हाइड्रोलिक ब्रेक में देखिए कितना फायदा है हमें, ये देखिए कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कितने गुना
फोर्स बढ़ रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मास्ट व्हील सिलेंडर का क्षेत्रफल और मास्टर सिलेंडर का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो देखिए आप, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, मैं इसको टू कर देता हूं और इसको वन स्क्वायर और एफ ये कैंसिल हो गए, यानी आर स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर इंटू एफ। तो देखिए आप, यदि मैंने त्रिज्या को दुगना किया, ठीक है, यानी व्हील सिलेंडर की त्रिज्या मास्टर सिलेंडर की दुगनी है, तो यहां पर बल कितना अधिक प्राप्त होगा, चार गुना। और यदि मैंने इसको व्हील सिलेंडर की त्रिज्या इसकी चार गुना करी तो कितना प्राप्त होगा, 16 गुना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि ये चार है, ये चार है और ये एक है, तो स्क्वायर के तो 16 गुना, 16 गुना अधिक बल हमें यहां पर प्राप्त हुआ। क्लियर है चीज। लेकिन यदि ये मैकेनिकल सिस्टम होता, ये मैकेनिकल सिस्टम होता, तो देखिए आप, ये फलक्रम था और ये लोड था, ये एफ था। अगर ये एक मीटर है तो मुझे, और इसको मैंने दो मीटर किया, तो कितना बल प्राप्त होगा, यहां पर दुगना, इसका उल्टा होता अनुपात का, यानी दुगना किया तो दुगना, तिगुना किया तो तिगुना, चार गुना किया तो चार गुना, बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही। यहां पर यदि मैंने त्रिज्या को चार गुना कर दिया तो बल 16 गुना हो गया। क्लियर है चीज। इसलिए हमें मैकेनिकल एडवांटेज या लीवरेज हाइड्रोलिक ब्रेक्स में अत्यधिक प्राप्त होता है, बहुत कम साइज में बहुत कम परिवर्तन करने के कारण भी हमें बहुत ज्यादा मैकेनिकल लीवरेज प्राप्त होता है। तो ये जो सारा सिस्टम था, ये मैकेनिकल के रिप्लेस करके हमने हाइड्रोलिक सिस्टम यहां पर लगा लिया। ये कहिए सिस्टम हाइड्रोलिक लिफ्ट में आपने कार वॉशिंग के लिए, जो कार वॉशिंग स्टेशन होते हैं वहां पर देखा होगा, वो उठाते हैं उसको कार को, ठीक है। इसी तरह से जैक देखा होगा, हाइड्रोलिक जैक, जो पैर से बहुत आसानी से बात करता हुआ ऑपरेटर दबाता और कार उठ जाती है, तो बेसिकली वहां भी यही सिस्टम है। यहां पर तो ऑपरेटर पैर से फोर्स लगा रहा है और यहां पर कार है, तो जितना त्रिज्या ज्यादा होगी उसके स्क्वायर के वर्ग के हिसाब से हमें बल अधिक प्राप्त होता है। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। देखिए मैकेनिकल ब्रेक्स में क्या होगा, अब आप खुद कल्पना कीजिए, मैकेनिकल ब्रेक इस पेडल के गति को चार पहियों तक पहुंचाना है तो कितनी सारी छड़ें, तार, नट बोल्ट वगैरह यूज करने पड़ेंगे। फिर मान लेते हैं यहां का ढीला हो गया कुछ सिस्टम, तो या कोई वेयर एंड टेयर हो गया इस वाली साइड में, तो यहां ब्रेकिंग फोर्स कम लगेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग रन में लंबे समय तक लगातार मैकेनिकल ब्रेक्स को यूज करते हैं तो जो हर पहिए पर जो मैकेनिकल फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स लगना चाहिए, वो अनइवन हो जाता है, असमान हो जाता है। लेकिन यहां पर जैसा आपने अभी समझा था, दाब प्रत्येक पहिए पर एक समान पहुंचता है, यानी इक्वल ब्रेकिंग फोर्स लगता है। फिर दूसरा है सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। ये जो सिस्टम होता है इसमें केवल जो एक, यदि अपन बात करें कि जटिलता जो है संरचना की, बनावट की जटिलता केवल और केवल इस मास्टर सिलेंडर में और इसमें, बाकी पूरा सिस्टम बिल्कुल सिंपल, जैसे घर में पाइपलाइन बिछी हुई होती है पानी की या बिजली के तार होते हैं, इतना सिंपल ये बनावट होती है। क्लियर है, तो ये बहुत सिंपल होता है। दूसरी चीज देखिए, मूविंग पार्ट कहां पर है, यहां पर केवल एक पिस्टन और एक पिस्टन, यहां पर है बस दो ही मूविंग पार्ट है पूरे ब्रेकिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक में, जबकि मैकेनिकल में यदि होता तो हर पार्ट उसका जो भी बीच में लिंक वगैरह लगे हो सब मूव होते, जैसे साइकिल में आप ब्रेक लगाते हैं, मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाते हैं, तो हर पार्ट उसका मूव करता है, और यदि उनमें से किसी भी एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो सारा ब्रेकिंग सिस्टम खराब हो जाता है। फिर चूंकि मूविंग पार्ट्स बहुत कम है इसलिए वेयर एंड टेयर बहुत कम होता है, पार्ट्स का घिसाव बहुत कम होता है, हाई लीवरेज मैकेनिकल एडवांटेज, जैसा मैंने बताया था कि यदि त्रिज्या को चार गुना किया तो बल हमें 16 गुना अधिक प्राप्त होता है, लेकिन मैकेनिकल लीवरेज में यदि दूरी को चार गुना किया तो बल हमें चार गुना ही प्राप्त होगा। अर्थात मैकेनिकल लीवरेज या मैकेनिकल एडवांटेज हाइड्रोलिक ब्रेक्स में बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। फिर आता है डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स। देखिए इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज जो है वो यूं कहें कि जानलेवा भी हो सकता है, फैटल। फैटल कैसे, यदि
हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल होता है या यूं कहिए ब्रेक ऑयल होता है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, यानी यदि हम कहें तो व्यवहारिक तौर पर उसको दबाया नहीं जा सकता, यानी उसके आयतन को कम नहीं किया जा सकता, तभी यह सिस्टम सक्सेसफुल होगा। लेकिन यदि गलती से या हमने ब्रेक की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं करी, इसमें ऑयल प्रॉपर लेवल तक नहीं भरा और गलती से हवा इस पाइपलाइन में या इस सिस्टम में कहीं भी हवा का एक बुलबुला भी आ गया, जैसे ये मान लेते हैं ये पेडल ड्राइवर पेडल दबाता है और ये ब्रेक लाइन है और इसमें हवा का बुलबुला आ गया, ये हवा का बुलबुला है, तो ड्राइवर जो फोर्स लगाएगा, चूंकि ऑयल तो इनकंप्रेसिबल है, ऑयल को नहीं दबाया जा सकता, लेकिन हवा बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, हवा को बहुत आसानी से दबाया जा सकता है। जैसे अपन साइकिल में हवा भरते हैं तो हवा को दबा के भरते हैं, इतना बड़ा जो पंप होता है उसको दबा के हवा को इतने आयतन को हम इतना सा कर देते हैं, क्लियर है, यानी हवा को बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। तो जो भी मैंने ब्रेक लगाने के लिए मूवमेंट किया पिस्टन का, वो मूवमेंट या फोर्स इस बुलबुले के साइज को छोटा करने काम, जबकि प्रेशर तो बढ़ा ही नहीं, आगे ऑयल में किसी तरह का कोई प्रेशर वहां तक नहीं पहुंचा तो ब्रेक नहीं लगेगा। अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में यदि लीकेज है तो वो ब्रेक सामान्य तौर पर यदि बात करते हैं तो ब्रेक फेल हो जाता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर दूसरा क्या है कि यदि चलती हुई गाड़ी है, किसी क्षण विशेष पर ही ब्रेक लगाना है और वापस पैर हटाना है, यानी रुक रुक कर ब्रेक लगाना है, तब तो हाइड्रोलिक ब्रेक सफल है, सक्सेसफुल है। लेकिन परमानेंट ब्रेक लगाना है, यानी ओनली फॉर इंटरमिटेंट ब्रेकिंग, इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक कर ब्रेक लगाना है, जब आवश्यकता हुई तब ब्रेक लगाना है, वरना ब्रेक नहीं लगाना। लेकिन मान लेते गाड़ी को पार्क करना है, हम कहीं जा रहे हैं और दो दिन के लिए गाड़ी नहीं चलेगी, पार्क करना है, गाड़ी की पार्किंग करनी है, तो हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, वहां पर हमें मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। हम ब्रेक लीवर ऊंचा करके चले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैंड ब्रेक सिस्टम, तो हैंड ब्रेक को ऊपर करके यानी लीवर को खींच देते हैं, वो लॉक हो जाता है, जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब यदि हमें पार्किंग ब्रेक की तरह यूज करना है तो हम मैकेनिकल ब्रेक्स को यूज करेंगे, और सर्विस ब्रेक की तरह यानी मेन ब्रेक के लिए यूज करना है, चूंकि इसमें मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, इक्वल प्रेशर होता है सब जगह पर, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, इसके पाइपलाइन को कहीं से भी घुमा के कैसे भी ले जा सकते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा मैकेनिकल ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी इनका वर्किंग पढ़ा, क्लियर है चीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, इसमें मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर का इंटरनल आंतरिक संरचना, इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। थैंक यू।